नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। मोदी सरकार ने संसदीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर दिया है, लेकिन इस पुनर्गठन के साथ ही राहुल गांधी को ऐसा झटका दिया है जिससे कांग्रेस में मातम परस गया है। दरअसल हाल ही में संसदीय समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें से राहुल गांधी का लिस्ट से नाम ही बाहर कर दिया गया, जबकि एक महीने पहले ही इस संसदीय समिति का जब गठन हुआ था तो राहुल गांधी को अहम जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें इसमें शामिल किया गया था, लेकिन एक महीने बाद जब पुनर्गठन हुआ तो राहुल गांधी को लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जबकि विपक्ष के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उनको लिस्ट में एड भी किया गया जिसमें पी चिदंबरम का नाम भी शामिल है, कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है, शरद पवार का नाम भी शामिल है, लेकिन राहुल गांधी को क्यों बाहर किया गया, इस पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी कुछ खुद इस फैसले से सदमे में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल संसदीय समिति के पुनर्गठन में कई ऐसे नाम ऐड किए गए हैं जो बहुत ज्यादा शॉकिंग हैं, लेकिन राहुल गांधी का नाम हटने पर अब सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी को लेकर विपक्ष ने हल्ला काटना, मोदी सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन अभी हाल ही में 26 अक्टूबर के बाद किया गया, जिसमें कई प्रमुख नेताओं को विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र बना है राहुल गांधी का नाम लिस्ट में ना होना, जो पहले विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए थे। कांग्रेस और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी का समिति में स्थान न मिलने से राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी के स्थान पर अन्य प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। बता दें कि इस नई संरचना में शरद पवार को गृह विभाग, सुप्रिया सूले को रक्षा विभाग, पी चिदंबरम को वित्त विभाग और प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित समिति में शामिल किया गया है। इसके अलावा जया बच्चन को विदेश मामलों की समिति और मनीष तिवारी को भी विदेश मामलों की समिति में शामिल किया गया है। कनीमोझी को रक्षा मामलों की समिति में जगह दी गई है। राहुल गांधी का समिति से बाहर होना यह संकेत देता है कि राजनीतिक समीकरण में एक नया मोड़ आ सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में विपक्ष किस तरह से इस रणनीति तैयार करता है। क्या राहुल गांधी को पुनः कोई जिम्मेदारी महत्वपूर्ण भूमिका में वापस लौटते हुए देखना मिल सकता है। ये पुनर्गठन न केवल राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचाने का काम करेगा, बल्कि ये भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का भी संकेत दे सकता है। बता दें कि इससे पहले 26 सितंबर को संसदीय समितियों का गठन किया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रक्षा समिति की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं कंगना को आईटी समिति का सदस्य बनाया गया था। कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव को भी स्वास्थ्य मामलों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी को भी संसदीय सलाहकार समिति में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी का अचानक नाम हटा देना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ नफरत की राजनीति करना राहुल गांधी को महंगा पड़ गया है? क्या राहुल गांधी को विदेशों में जाकर मोदी सरकार को बदनाम करना महंगा पड़ गया है, इस वजह से उनसे ये जिम्मेदारी ली गई है? बता दें कि पक्ष विपक्ष दोनों के तमाम नेताओं को संसदीय समिति में शामिल किया गया है। चलिए अब यह भी बता देते हैं कि संसदीय समिति की जरूरत क्या है। दरअसल इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि संसद के पास बहुत सारा काम होता है, इन कामों को निपटाने के लिए समय भी कम होता है। इस कारण कोई काम या मामला संसद के पास आता है तो वो उस पर गहराई से विचार नहीं कर पाती है, तो ऐसे में बहुत सारे कामों को समितियां निपटाती हैं। बता दें कि हर समिति का काम अलग होता है। जैसे वित्तीय समितियों का काम होता है सरकार के खर्च पर निगरानी रखना, ये देखना कि सरकार ने समय रहते खर्च किया या नहीं, कोई लापरवाही तो नहीं हुई है, तमाम तरह की चीजें संसदीय समिति देखती है। संसदीय समिति के पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो किसी भी मामले से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है, किसी को भी बुला सकती है, विशेषाधिकार हनन के रिपोर्ट दे सकती है और कार्रवाई भी कर सकती है। बता दें कि संसदीय समितियों का पुनर्गठन हर आम चुनाव के बाद किया जाता है, क्योंकि समितियों के सदस्यों का संसद के मौजूदा सदस्य होना जरूरी है। समिति में सपा से लेकर टीएमसी, डीएमके,
तमाम नेताओं को शामिल किया गया, लेकिन जब संसदीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया तो राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया, उनकी जगह मनीष तिवारी को ऐड किया गया है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी का अब नाम हटाया गया है उस पर सियासत तेज हो गई है, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी को हटाया गया है, संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य से उनसे पद क्यों छीना गया है, मोदी सरकार ने यह एक्शन क्यों लिया गया है। हालांकि इस बात पर अभी कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक्शन लिया, संसदीय सलाहकार समिति से राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उससे साफ होता दिख रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी नफरत की राजनीति कर रहे थे, मोदी सरकार को हर मुद्दे पर घेर रहे थे, तमाम झूठ फैलाकर मोदी सरकार के खिलाफ नफरत की राजनीति जुटे थे, वो राजनीति अब राहुल गांधी को ले डूबी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्शन है कि राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई, विदेश मामलों की संसदीय सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया, लेकिन एक महीने बाद ही उन्हें इस पद से हटा दिया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में काफी हलचल शुरू हो गई है। खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।